बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अपने मोबाइल फोन के ऊपर ट्रू कॉलर को इंस्टॉल कर रखा है तो उसको अभी के अभी अनइंस्टॉल कर लें, नहीं तो आपके मोबाइल फोन का सारा डाटा, सारे कॉन्टेक्ट, सारे एसएमएस, सारी सोशल मीडिया की डिटेल, इवन आपके कैमरे के कॉन्टेंट, माइक्रोफोन के कॉन्टेंट, ये दोस्तों सारे के सारे शेयर हो जाएंगे। तो अगर आप बचना चाहते हो तो तुरंत अपने मोबाइल फोन से ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल करें। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, अगर आपको कोई अननोन नंबर बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है और आपको उसका नाम जानना है, उसकी डिटेल जाननी है, तो आप इस ट्रू कॉलर ऐप को यूज कर सकते हो। काफी बढ़िया ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप नंबर के थ्रू उस नंबर के मालिक का नाम जान सकते हो। तो है ना दोस्तों, ये कमाल की ऐप। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस एप्लीकेशन को कैसे पता चलता है कि ये नंबर इसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो ट्रू कॉलर है, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो ये आपसे ढेरों सारी परमिशन पूछता है। मतलब कि आपसे पूछता है कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की परमिशन, आपसे पूछता है एसएमएस को रीड करने की परमिशन, आपसे पूछता है कैमरे को एक्सेस करने की परमिशन, आपसे पूछता है माइक्रोफोन को एक्सेस करने की परमिशन। तो अगर आप ये सारी परमिशन दे देते हो तो ट्रू कॉलर आपके मोबाइल फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स को, सारे एसएमएस को, सारे कैमरा डिटेल को अपने सर्वर तक पहुंचा देता है। अब इनका सर्वर इन सारे डाटा को शॉर्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एल्गोरिथम या फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लेट्स सपोज आपके मोबाइल फोन पर एक नंबर सेव था एज ए रविशंकर के नाम से। अब ट्रू कॉलर को उस कॉन्टेक्ट से ये पता चल गया कि ये नंबर बिलोंग करता है रविशंकर को, और यहाँ पर ट्रू कॉलर के पास आप ही का डाटा नहीं है, 100 मिलियंस लोगों का डाटा है। तो यहाँ पर 100 मिलियंस में से अगर 2-4 लोगों ने भी इस कॉन्टैक्ट को रविशंकर के नाम से सेव किया है या फिर रवि भट्ट या फिर रवि सिंह के नाम से भी सेव किया है, तो यहाँ पर ट्रू कॉलर का जो एल्गोरिथम है वो सर्च करता है, बेस्ट मैच करता है, और उसके बाद वो डिफाइन कर देता है, मतलब असाइन कर देता है उस नंबर को रविशंकर या फिर रवि भट्ट, जो भी यहाँ पर उसके डेटाबेस में ज़्यादा मैच करता है। तो यहाँ पर वो नंबर अब असाइन हो चुका है, ट्रू कॉलर ने उसको असाइन कर दिया है रविशंकर या फिर रवि भट्ट के नाम पर। तो यहाँ पर अब वो पर्सन अगर किसी भी ऐसे बंदे को कॉल करता है जिसके अंदर ट्रू कॉलर इंस्टॉल है बट उसके कॉन्टैक्ट डिटेल में उस कॉन्टैक्ट की डिटेल नहीं है, तो ट्रू कॉलर बता देगा कि उसको रविशंकर या फिर रवि भट्ट ने कॉल किया है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप ही का डाटा लेके ये आपको दिखा रहा है कि ये अननोन नंबर किसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये सब डाटा का ही खेल है, ये आपका डाटा लेता है, उसी से इन्होंने एक डाटाबेस बनाया, बैंक बनाया, और उसी डाटा बैंक से आपको बता देता है कि आपको कौन अननोन नंबर कॉल कर रहा है। अब अगर आपने ट्रू कॉलर को अपना सोशल मीडिया, मतलब कि फेसबुक का, ट्विटर का, इसका भी एसएस रखा है, इसमें भी जितनी पोस्ट पर रखी है उसको पढ़ने का, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी जो पर्सनल डाटा है उसको रीड करने की अगर परमिशन दे दी है तो ये वहां से भी डाटा कैप्चर करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ट्रू कॉलर जानता है कि ये नंबर किसको बिलोंग करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ोगे, टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ोगे, एप्लीकेशन परमिशन को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये आपके मोबाइल फोन की ईच एंड एवरी डिटेल, मतलब कि कौन सा सिम यूज कर रहे हो, आपके मोबाइल फोन का आईएमई नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, आप किस समय कहाँ हो, आपके मोबाइल फोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन डली हुई है, किस समय आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो, ये डाटा भी यहाँ से कैप्चर करता है। मतलब कि ट्रू कॉलर आपके मोबाइल फोन में होने वाली हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटी को नोटिस करता है और उसको अपने सर्वर पर पहुंचाता है। और इतना ही दोस्तों, ये ट्रू कॉलर आगे डाटा बेचता भी है। हाँ दोस्तों, ये डाटा आगे बेचता भी है। लेट्स सपोज मुझे एक डाटा चाहिए, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, मुझे एक पेपर लिखना है या फिर रिसर्च आर्टिकल लिखना है और मुझे एक डाटा चाहिए। लेट्स सपोज मुझे अभी जानना है कि इस समय इंडिया गेट में कितने पर्संस हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रू कॉलर की हेल्प लूंगा, उनसे पूछूंगा कि इस समय इंडिया गेट में कितने यूजर्स हैं। तो ट्रू कॉलर के पास दोस्तों ये डाटा डेफिनेटली होगा और वो ये भी बता पाएगा कि उनमें से कितने लोग आईडिया यूज करते हैं, कितने लोग रिलायंस यूज करते हैं, कितने लोग जियो यूज करते हैं, कितने लोग एयरटेल यूज करते हैं। तो दोस्तों, ट्रू कॉलर ये सारे डाटा आपको प्रोवाइड कर सकता है, बस शर्त यही कि आपको पेमेंट करनी होगी, मतलब कि जितना वो मांगे उतना अगर आप पे कर सकते हो तो आप ट्रू कॉलर से डाटा खरीद सकते हो। तो यहाँ पर आपका डाटा लेके और फर्दर इसको बेच के ये कंपनियां लाखों करोड़ों कमा रही है। और दोस्तों, यहाँ पर खतरा इतना ही नहीं है, खतरा दोस्तों यहाँ पर ये भी है, अगर ये डाटा किसी ऐसे पर्सन के पास या फिर किसी ऐसी एजेंसी के पास पहुंच जाए जो कि आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है या फिर आपके देश को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसे केस में ये जो डाटा है
ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। मतलब कि इनडायरेक्टली ये जो ऐप है ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। और इवन दोस्तों यही नहीं देखा गया, ये जो एप्लीकेशन होती है ये बैकग्राउंड में आपके कैमरे को आपके माइक्रोफोन को एक्सेस करती रहती हैं, जानती रहती हैं कि इस समय आप क्या बोल रहे हो। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो तो दोस्तों वो मीटिंग ये क्रैक कर सकती हैं। और डेफिनेटली अगर आप ट्रू कॉलर की परमिशन को देखोगे जो कि आप इस समय स्क्रीन में देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल फोन से कितना डाटा उठा रही हैं। और डेफिनेटली अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पर आप ट्रू कॉलर के फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, बस शर्त यही है कि आपके मोबाइल फोन में कोई इंपॉर्टेंट डाटा ना हो। तो दोस्तों ट्रू कॉलर आपके मोबाइल फोन का डाटा उठा के आप ही को दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई अननोन पर्सन कॉल कर रहा है तो वो किसी न किसी का डाटा ही है जो कि बता रहा है कि वो अननोन नंबर किसको बिलोंग करता है। अगर आपको ट्रू कॉलर दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ये स्कूल से जुड़ा हुआ है तो ये आप ही ने शेयर किया है ट्रू कॉलर के साथ। तो यहाँ पर ये सब आप ही का डाटा है जो कि ट्रू कॉलर आपको दिखा रहा है और साथ में ये इसको आगे फर्दर बेच भी रहा है, जिससे दोस्तों ये काफी मोटी कमाई करता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा करके कि आप अपना डाटा सेव रखें, हो सकता है कि आपका डाटा काफी इंपॉर्टेंट हो इन पर्सन के लिए या फिर इंपॉर्टेंट हो ऐसे एजेंसीज के लिए जो कि देश का या फिर आपका भला नहीं चाहती हो, तो यहाँ पर ऐसी एप्लीकेशन से दूरी रहें तो ज्यादा बेटर। तो दोस्तों आप सभी को अब पता चल गया होगा कि क्यों मैं ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल करने के लिए कह रहा हूं। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि हर कोई जान पाए इस ट्रू कॉलर की पीछे की कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।